hands, close your eyes. Om. 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 Sai Ram children. Sai Ram ma'am. Sai Ram beta. Okay. Today we will revise Omna's journey because already Neeti ma'am has completed that lesson. So we will revise it shortly. Okay. So all of you open Omna's journey. Ma'am, your voice is not clear. Ma'am. Yes, Amolika. मैम आप हाईलाइट करवाओगे क्या कुछ मेन चीज है? यस बेटा. ओके मैम. गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड साई राम. यस बट टुडे वी विल रिवाइज इट. ओके बेटा आई नो यू हैव ऑलरेडी लर्नड इट बट वी विल रिवाइज इट शॉर्टली. ओके सो ऑल ऑफ यू ओपन इट. ओके मैम. एंड It's your responsibility ma'am. To explain me what we are going to study in this lesson. So all of you, ma'am, yesterday I sent you. Ma'am, Omida jo journey hai na, wo teen part mein. Yes, ma'am. Ek train ki journey ka hai, ek railway station ka hai, aur ek pata nahi kaun sa hai. Good, good. हाँ. कौन सा पता नहीं? ये नहीं आपको पता करना है सब कुछ. फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन. ओके सो ऑल ऑफ यू ओपन इट एंड हू वी आर गोइंग टू स्टडी एंड व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन दिस लेसन. एनी वन ऑफ यू रेज योर हैंड सो दैट आई कैन आस्क. मैं मनस्वी. ओके मनस्वी. मैम इस चैप्टर में ये है कि ओमिता एक ट्रिप पे जाती है और ओमिता बाहर क्या क्या चीजें देखती है वो अपनी कॉपी में लिखती है और घर जाके अपनी फ्रेंड को बताती है. मैम अमोलिका. साइरा मैम. वेट बेटा लेट मैम. मनस्वी लेक्चर फिनिश. रिद्धिमा वेट अभी उसको कंप्लीट करने दो आई विल आस्क यू. ओके स्टोरी में जो ओमिता की फ्रेंड उसकी बेस्ट फ्रेंड कहीं जाने का सोचते हैं पर उसकी बेस्ट फ्रेंड को कुछ हो जाता से लग जाती है तो फिर जो उसकी फ्रेंड है उसकी मम्मा उससे ओमिता से कहती है कि अपनी आप एक कॉपी में लिख लो फिर आकर राधा उसे पढ़ लेगी तो फिर ओमिता जो है वो जब जाती है तो अपनी एक कॉपी में वो सब लिखते जाती है वो क्या क्या लिखती है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. वेरी गुड वेरी वेल एक्सप्लेन मनस्वी. अदर देन दिस जो अभी मनस्वी ने बताया उसको छोड़ के इसमें और क्या पढ़ने वाले हैं रिद्धिमा. मैम इस चैप्टर में ये बताया है कि ट्रेन के फैसिलिटीज क्या क्या होती है मतलब हाउ टू स्लीप कि ये किस एज तक अपने पेरेंट के साथ सो सकते हैं और अलग सीट मिलती है ऐसे इसमें ऐसा बताया है और ओमाना जो बाहर देखती है वो बताया कि उसने क्या क्या देखा. यू वांट टू से टाइप्स ऑफ बर्थ. यस मैम. ओके ओके अपार्ट फ्रॉम दिस एनीबॉडी वांट्स टू एक्सप्लेन अदर देन दिस अमोलिका. यस अमोलिका. मैम इसमें फिर उसकी फ्रेंड को लग जाती है साइकिल से गिर के तो फिर वो सारी चीजें लिखती है कि ना बाहर बाहर मैंने क्या देखा मैं विंडो के पास बैठी थी उधर इतने सारे लोग थे ये लोग ये काम कर रहे थे ऐसे. ओके अक्षता. थैंक यू अमोलिका एंड रिद्धिमा. अक्षता. मैम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ओमना ने कैसे अपनी ट्रेन की जर्नी की वो अपने अपने केरला जा रही थी तो फिर उसकी दादी के पास तो फिर वो इससे एक और चैप्टर जुड़ा है रीचिंग ग्रैंडमदर्स होम तो हम उस चैप्टर को भी पढ़ेंगे और ओमना जर्नी को भी.
Yes, all these three lessons, 6, 7, 8, all these are connected. Okay, Shantanu. After Shantanu, we will watch a video from Tata Classage. Okay? So Shantanu, unmute yourself and share your experience. Ma'am, आपने एक वीडियो भी भेजा था जिसमें ट्रेन की फैसिलिटीज के बारे में भी बताया था. Yes, ma'am, आपने भेजा था. Yes, correct. No, wait, let him finish. Otherwise, my video will hang. So let Shantanu finish and then we will see next video. Ma'am, yes, Shantanu. मैम इस चैप्टर में ओमना और उसकी बेस्ट फ्रेंड राधा थी, तो उन्होंने केरला जाने का सोचा था. राधा उसकी राधा छुट्टियां मनाने जा रही थी और जो ओमना थी उसकी ग्रैंड मदर के यहाँ जा रही थी. उस जब वो जा रही थी ट्रेन से, उस कुछ दिन पहले राधा का पैर फ्रैक्चर हो गया, साइकिल से गिर गई थी. तो राधा की फैमिली को उनकी टिकट कैंसिल करनी पड़ी. दोनों बहुत दुखी थी. तो ओमना की ग्रैंड मदर नहीं, ओमना की मम्मी को एक आइडिया आया और कहा कि ओमना एक डायरी में वो सब कुछ दे सकती है जो ने अपने ही ट्रिप में देखा. Yes, very good, Shantanu. Very well explained. So now all of you mute yourself and watch this video carefully. I hope my screen is visible. Yes, ma'am, your screen is clearly visible. Yes, ma'am. My screen is clearly visible. Thank you very much. Now don't unmute in between and concentrate on the video, okay? Kia, have you ever been on a long train journey? It's so much fun. Oh, really? I've never been on a long train journey. I went on a train journey for the first time during these holidays. We were visiting my grandparents in Kolkata. I still have the train ticket with me. My dad had booked the tickets 2 months ago. Click the train ticket to know more. Okay, now you will get the information. What do you find on a train ticket? Okay. A train ticket has information about the train name, number, place, date and time of departure, name and age of passengers, and the berth numbers. Nowadays, train tickets can also be booked online. So, क्या क्या information है? Train का number है, train का name है, passengers के berth numbers है, passengers के female, male, age, everything is there. Okay, fare. How much rupees you have paid for this reservation, date, time of departure, okay? All these details are there. Here, let me show you some photographs I took. We boarded the train from New Delhi railway station. It was very crowded and people seemed to be in great hurry. Porters ran up to us to carry our luggage. There was a lot of hustle and bustle on the platform. There were stalls selling tea, snacks, newspapers, magazines, and books. Once our train came to the platform, we cross-checked our names on the reservation chart against the ticket. Click each photograph to know more about it. Okay, first we will see what is a reservation chart. जो आपका reservation है वो confirm है कि नहीं है, इस chart से आप check कर सकते हो. Reservation chart is a sheet of paper pasted on a coach. It carries the names of passengers with reservation details. ये कहाँ पे paste होता है? जिस कोच में आपका रिजर्वेशन है उस कोच के बाहर की साइड में ये पेस्टेड होता है.
और उसमें आपके पूरे डिटेल्स होते हैं, नेम्स होते हैं, आपकी कौन सी सीट है, वो सब कुछ वहां पे लिखा होता है. ओके, we then got into the train and I sat near the window to enjoy the scenery outside. I saw the guard in the last coach waving a green flag and the train moved forward. I saw many fields on the way. Some of them were brown and dry, while others were lush green. Everything outside seemed to be flying by. Click each photograph to know more about it. Look, I took a photograph of the ticket checker. A passenger was talking over phone and reading the newspaper, while others were playing a board game. Click each photograph to know more about it. A train ticket checker, also called TTC, is also a railway employee. He checks tickets of passengers. Okay. Look, I took a photograph of the ticket checker. Let me show you some photographs I took. We boarded the train from New Delhi railway station. It was very crowded and people seemed to be in great hurry. Porters ran up to us to carry our luggage. There was a lot of hustle and bustle on the platform. There were stalls selling tea, snacks, newspapers, magazines, and books. Once our train came to the platform, we cross-checked our names on the reservation chart against the ticket. Click each photograph to know more about it. A porter is commonly known as a coolie in India. A coolie is granted license by the Indian Railways to offer his services to the passengers. Okay, that's it. Now, next video, we will watch it. About information about trains in India. Is it visible and audible, Durva? Have you ever traveled by? Durva, is it visible and audible? Yes, ma'am, it is visible and audible. Here we will see different kinds of... Listen. Thank you. And listen, here we will see different kinds of trains in India. Okay? By train and heard the constant chuk-chuk of its engine, the railways were introduced by the British in India. The first passenger train started between Mumbai to Thane in the year 1853. At first, trains had steam engines. Later, steam engines became diesel and electric engines. Today, Indian Railways has the fourth largest network in the world. There are different types of train services available in India. Let's learn a little more about these services. These are different types of trains in India. Toy train, metro rail, passenger train, and goods train. Which of these trains is used to carry heavy objects? Any one of you can answer. Heavy objects, kaun si train carry karti hai? Ma'am, goods train. That's right. Goods train is used to carry heavy things like industrial machinery and farm products.
Which of these trains is used to connect places within a big city? Ma'am, within a city, a train that runs within a city, big city. Any one of you? Long distance. No, ma'am, long distance train. Mm-hmm. Within a big city, under. Ma'am, toy train. Metro train. To another. It is currently operational in Delhi and Kolkata. Which of these trains is used as a mode of transport in hilly areas? Any one of you? Toy train is used in See, toy trains are also called narrow gauge trains. Okay. Hilly terrain. सभी लोग बैठते हैं बेटा हिंदी एरिया में जो ट्रेन चलती है उनको टॉय ट्रेन बोला है ना और वो ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस नहीं चलती है क्लियर मैम मैम कितने किलोमीटर चलेगी दैट यू हैव टू फाइंड आउट ओके नाउ विल सी शॉर्ट वी आर गोइंग टू स्टडी These are the highlights of this lesson, okay? Is it visible? In this lesson, we are going to study about the different types of trains. We have seen toy train, metro rail, passenger train, goods train, okay? Long distance trains. Then to know about the various people working at the railway station. We have seen porter, TTC ticket. What is the full form of TTC? Train ticket checker. Yes. Then we have seen there is a, we can see there many things are sold at the stations like tea and snacks, everything you will get it. Each train reservation ticket has a unique passenger name record or the PNR number. Okay, there is a number, unique number. Her ticket ka ek unique number hota hai. That is called PNR number. And a train stops at the... Yes? Thank you, ma'am. People sell different things at the railway station that you have seen in the video. Passenger train carries people and the goods train carries items from one place to the another train, another place, sorry. जो passenger train होती है वो लोगों को यहाँ से वहां ले जाती है और goods train जो है वो चीजों को लेकर जाती है okay? और मैम toy train? If you want to take a screenshot, you can take it. Okay? Yes, ma'am. See, information which is given on your reserved ticket. So, what information is given first? Train name. Here you can see. What is the train name is written on the ticket? Highlight kiya hai, dekho, maine yahan pe. Kya hai wo? Am ma'am, I there in the meeting or I'm ma'am, out? Yes. Train name is written on the ticket. Can you read it? Deccan Express. Ma'am, Deccan Express. Yes, Deccan Express.
Train name is not visible. Okay, fine. I will read it. Train name is second and train number is 1008. Okay. Then here you can see where a date and time of departure. Okay. And place. From which place you're going to board it. Okay. Then last, name and age of passengers. And coach and berth numbers. Here you can see in which coach you are going to seat and on which seat number you are going to sit. Okay. So this information, it is for your information, beta. Okay, ma'am. Now, based on this lesson, I have few questions here. So, is it visible now? Yes, ma'am. Can you send these questions in class group? Yes. Today I will send it. Okay. So, first question is, Gandhidham is in which state? If you have read the lesson, you must know the answer. It is in Gujarat. Okay, next question. Tickets. Correct answer. The person who carries luggage is called. Mute yourself. One who gives signals to train to start or stop. That person is called Mute yourself. Now, to pass your time on a long journey, what type of things do you carry? Story books, games. Mute everyone. I will send it today in class WhatsApp. So don't try. Mute yourself and read. Water, milk, tea, and ma'am, hit. I said Durva. Ma'am, things that are sold at railway stations. Railway station. Yes. You can read the answer. Ma'am. You will get water, milk, tea, eatable items like namkeen, aloo vada, puri bhaji, etc. Okay. Now, Ananya, you can unmute yourself and read question number 7. Yes, ma'am. Why do you think there was no water in the bathroom of the train? Discuss. Yeah. देखो आप लोग भी travel करते हैं कई बार washrooms में पानी नहीं होता है ना? तो क्या आपने सोचा है क्यों नहीं होता है? Anyone of you can answer. Yes, ma'am. बता सकते हो कभी कभी वॉशरूम में वॉटर क्यों?
वाटर क्यों नहीं होता है कभी कभी वॉशरूम्स में रेलवे में? व्हाई? मैम अंशुमन, यस अंशुमन, यस अंशुमन मैम, क्योंकि झंझट होने की वजह से इसलिए वहां पे पानी रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए कभी कभी वहां पे पानी नहीं हो सकता। क्यों नहीं होता बेटा? मैम क्यों पैसेंजर्स इसलिए पानी कभी कभी नहीं आता है वहाँ पर, पानी कभी पैसेंजर ज्यादा होने की वजह से पानी खत्म हो सकता है। मैम पानी इसलिए नहीं आता, चालू कर करोगे बेटा? Hitansh, you can unmute and you can answer. Hitansh. Hitansh, are you there? Ma'am, Hitansh, I've left the meeting. Ma'am, can I? Who is this? Satwe. Who is this? Satwe. Satwe. Yes, ma'am. You can try. Satwe, you can try. जो पैसेंजर इसलिए पानी नहीं होता क्योंकि जो पैसेंजर है वो जो पानी को वेस्टेड करते हैं। देखो आपके ट्रेन में जो टैंक होता है, लिसन टू मी नाउ, लिसन टू मी, आपके ट्रेन जिस भी ट्रेन से आप ट्रेवल करते हैं उसमें टैंक्स होते हैं और वो टैंक्स किसी किसी स्टेशन पे फिल किए जाते हैं, एग्रीड है ना? तो जब उनको भरा जाता है उनमें वो किसी स्टेशन एक स्टेशन पे कहीं बीच रास्ते में उन टैंक्स को फिल किया जाता है और जितना पानी होता है उनको पैसेंजर्स यूज कर लेते हैं, कई बार वेस्ट कर देते हैं और फिर लास्ट एंड पार्ट की जो जर्नी होती है वहां पे पानी खत्म हो जाता है, हमको पानी यूज करने के लिए नहीं होता। तो हमें ट्रेन में पानी कैसे यूज करना चाहिए? विदाउट वेस्टिंग है ना, ही उसको यूज करना चाहिए और उसको ठीक से यूज करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने उसको टैप ओपन करके छोड़ दिया और कोई जरूरत नहीं लेकिन बार बार आप हैंड वॉश करने जा रहे हो, सो यू आर नॉट सपोज टू वेस्ट इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज टीटी एंड व्हाट इज इट्स रोल? यथार्थ, यथार्थ टीटी का फुल फॉर्म क्या है? टीटी का फुल फॉर्म क्या लिखा है आपको पढ़ने में दिखाई दे रहा है? ट्रैवलिंग टिकट टीटी, हाँ, एग्जामिनर, ट्रैवलिंग एग्जामिनर। एंड व्हाट इज हिज रोल एंड व्हाट इज हिज वर्क? To check ticket and seat in train. Correct answer. Next is, what do you mean by a railway platform? क्या होता है railway platform? Can I tell Navya? Anshuman Malik. Yes, Navya. Ma'am, railway platform. Anshuman, after this, okay. Ma'am, railway platform में trains रहते हैं. और वहां पे पानी भी भरा जाता है ट्रेन में। यस अंशुमन, कौन पढ़ रहा था? नव्या, यू कैन रीड द आंसर। अ रेलवे प्लेटफॉर्म इज एन एरिया अलोंग साइड इन अ रेलवे ट्रैक प्रोवाइडिंग इजी एक्सेस टू ट्रेन। एक्सेस, वहां से आप ट्रेन्स में अंदर बाहर कर सकते हो ना, जो रेलवे ट्रैक के पास वाला जो एरिया होता है उसको बोलते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म, और वहां से आप इजीली ट्रेन में चढ़ सकते हो, उतर सकते हो। ओके, नाउ हैव यू ट्रैवल्ड इन अ ट्रेन एंड व्हेन? यू ऑल हैव मस्ट बी ट्रैवल्ड इन अ ट्रेन। ओके, सो यू कैन राइट योर ओन आंसर हियर। व्हाट फूड वुड यू लाइक टू टेक विथ यू व्हेन यू ट्रैवल एंड व्हाई? अंशुमन मलिक। यस मैम। Ma'am, I want answer. Can you answer question number four?
Yes, ma'am. Ma'am, I would like to take some snacks, juice. Ma'am, like Maggi, chips, roti, sabji, rice, etc. Yes, yes. Ma'am, can Amolika... Why was it so... Amolika, read question, next question. You can read the next question. Why yes, was it so crowded at the door of the coach? हमने देखा दिल्ली स्टेशन का भी सीन हमने देखा कि बहुत क्राउडेड एरिया था है ना, और जब ट्रेन आती है तो कोच के पास सब लोग बहुत रश करते हैं, जैसे स्टेशन आता है ना, और ट्रेन रुकती है तो जो चढ़ने वाले हैं वो भी कोच के पास रश करते हैं और जो उतरने वाले हैं वो भी रश करते हैं, देखा है आप लोगों ने कभी? मैम मैंने देखा है. अमोलिका, हाँ, सो व्हाई? Amolika, you can read the answer. Yes, ma'am. It was so crowded at the door of the coach because when train stopped at the station, many people started getting off the train. At the same time, people who were standing on the platform started pushing the passengers and trying to put their luggage inside the train. All these activities was done through one door at the same time. This caused the door of coach to be crowded. समझ में आ गया, जो उतरने वाले भी उतरते हैं और साथ में जो नीचे प्लेटफॉर्म पे खड़े रहते हैं उनको भी अपने लगेज के साथ अंदर जाना रहता है, लेकिन सब इस दोनों कामों के लिए एंट्री गेट एक ही है आपके पास, मतलब बाहर से अंदर से ट्रेन के अंदर से बाहर उतरने वाले और बाहर से अंदर घुसने वाले सारे एक ही डोर से एक्सेस कर रहे हैं और इसीलिए वो वहां पे क्या हो जाता है, क्राउडेड हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन यशस्वी, आप टिकट चेकर को कैसे पहचानोगे, उसको टिकट चेकर या टिकट एग्जामिनर है ना, तो आप कैसे पहचानोगे उनको? हाउ विल यू रिकॉग्नाइज दैट दैट पर्सन इज अ टिकट चेकर? मैम यशस्वी, मैम आयुष्मान ढाका, टिकट चेकर वेयर्स अ ब्लैक कोट. यशस्वी, हाँ यशस्वी है क्या ये? यशस्वी आप पढ़ रहे हो? मैम मनस्वी. नो मैम, मनस्वी आप, अच्छा चलो यशस्वी नहीं पढ़ रही है तो हम अद्विता, अद्विता कैन यू रीड द आंसर और नो अबाउट टिकट, अबाउट अबाउट हाउ विल यू रिकॉग्नाइज अ टिकट चेकर? मैम आई कैन रीड द आंसर. यस यू कैन टेल द आंसर. मैम आयुष्मान ढाका. मैम इट आई सेड अद्विता, अद्विता, अद्विता और अद्विका, एनी वन ऑफ यू. ओके मैम, a ticket checker wears a black coat and black trousers. He has a badge on his badge. Coat. He carries a list. आपने देखा उनके कोट में बैच उसका नाम लिखा रहता है, उनका उस पे उनका नाम लिखा रहता है. Yes, ma'am. List of passengers. Next line, beta. With their allotted seat number. He asked the passengers to show their tickets and also collect the fine from those who travel without ticket. तो क्या देखते हैं कि आप जो सीट अलॉट हुई आपको क्या आप उसी पे बैठे हो, अगर नहीं हो तो आपसे जानकारी लेते हैं, कई बार हम एक्सचेंज भी करते हैं सीट्स को, तो हमें बताना पड़ता है कि हमारा सीट वहां पे है और हमारी सीट पे वो बैठे हैं और उनकी सीट पे हम बैठे हैं, है ना, तो वो ये टैली करते हैं कि सीट नंबर जिसका है वो वहां पे है कि नहीं है, और जो विदाउट टिकट ट्रेवल कर रहे हैं उनसे वो फाइन कलेक्ट करते हैं. सो नाउ यू कैन सी पिक्चर विच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो. ओके, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दीज पीपल. फर्स्ट वन इज, नंबर वन इज विनम्र, आप बताइए. नंबर वन इज, व्हाट डू वी कॉल द पर्सन हु इज एट नंबर वन?
पुली इंडिया मैम आयुष्मान का लिसन पुली बेटा मैंने जिसका नाम लिया वही बताया तो ज्यादा अच्छा होगा बेटा जिससे क्या होगा मुझे सबका रिस्पांस मिलेगा कि कौन कौन क्लास में है ना विनम्र आप है क्लास में आप म्यूट करके बताइए पुली इनको इंडिया में बोलते हैं और बाकी जगह पे क्या बोला जाता है पुली के अलावा भी एक वर्ड अभी हमने पढ़ा था मैम पोर्टल विनम्र आर यू देयर मैम विनम्र की आवाज नहीं है मैम पोर्टल पोर्टल ओके करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट नंबर टू संकेत नंबर टू संकेत वो वेज की फ्लैग ग्रीन और रेड टू स्टार्ट द ट्रेन और टू स्टॉप द ट्रेन संकेत यू आर नॉट ऑडिबल कैन यू रिपीट आंसर अगेन मनस्वी प्लीज म्यूट योरसेल्फ मनस्वी संकेत यू कैन आंसर मैम मुझे स्क्रीन मैम सही से नहीं दिख रही है मैम मैं लीव करके अभी ज्वाइन करके बताता हूँ ओके नेक्स्ट बुक में भी है मैम ये तो बुक में भी है हाँ बुक में भी है इसीलिए तो स्क्रीन कोई दिक्कत नहीं है आपकी बुक में भी सेम पिक्चर है तो आप वहां से भी देखकर मुझे आंसर बता सकते हो सात्विक आप बताइए नंबर टू पे जो है उनका नाम क्या है संकेत आएगा वापस यस मैम मैम सेकंड वर्ड इज कैन यू आंसर यस करेक्ट आंसर नंबर करेक्ट आंसर वेरी गुड नंबर थ्री अद्विता नंबर थ्री मैम आई डोंट नो ओके वन ऑफ यू नंबर थ्री मैम ड्राइवर मैम अनन्या करेक्ट आंसर नहीं बता दिया मनस ने बता दिया चाहिए नंबर फोर मैम समर्थ आपका समर्थ यस मैम मम्मी समर्थ मम्मी ये फोर्थ वाला पता मम्मी वो फोर्थ वाला पता नहीं है फोर्थ अभी तो डिस्कस किया बेटा जिनके हाथ में क्या होता है अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है मैम कूली होता है फोर नंबर पे बेटा फोर नंबर पे ध्यान से देखो यस मैम मैम बहुत सारे लोग चार्ट होते हैं जिनको मैम लोगों के टिकट्स चेक करते हैं यस मैम कौन है वो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया इसको समर्थ इज नॉट एबल टू आंसर देन एनीवन एनीवन प्रतिमा करेक्ट आंसर बेटा नंबर फाइव अनिश को करने दो नंबर फाइव नंबर फाइव अनीश ओके अक्षता मैम अक्षता यू आर नॉट ऑडिबल कैन यू रिपीट मैम आयुष्मान मैम बोलो मैम गार्ड मैम यू आर नॉट ऑडिबल गार्ड मैम गार्ड नंबर पे हम नाम बनेंगे अक्षता मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर ओके कैन आई टेल मैम इट इज ब्रेकिंग
And I will share this picture in your book. So you can tell me answer who is at number 5. I'll stop sharing so that members will be here. Ma'am, can I tell Navya? Ananya, you can tell. I'm Anshuman Dhakar. Ma'am, Minneapolis. Yes, correct answer, Ananya. Then who is at number 6? Navya. Ma'am, Swipper. Navya. Correct answer. And who is at number 7? Ma'am, can I tell? Who is at 7? Any one of you. I'm Nars. No. Theek se dekho zara. Counter pe kaun hota hai, jo aapke liye tickets book karta hai, reserve karta hai. Hum internet se bhi kar sakte. Yes, Shantanu. Oh, Shantanu, you can answer. Shantanu, you're raising your hand. You can answer. Shantanu, bataiye. Samarth, bataiye, beta. Shantanu left ho gaye hain. Samarth, aap bataiye. Yes, ma'am. Ma'am, ticket checker. Nahi, beta. Ma'am, aapke liye ticket book kar rahi hai wo. वो टिकट चेकर नहीं है, आपके लिए टिकट बुक कर रही है. शांतनु बता रहा था गायब हो गया. अक्षता, रिद्धिमा, टिकट मास्टर. टिकट मास्टर बोलते हैं क्या उसको? मैं टिकट चेकर होता है. नो मैम. मैम टिकट चेकर होता है. टिकट बोलो मैम. वो आपको टिकट दे रही है ना, बुक कर रहे हो, आपके उनके पास रिजर्वेशन कर रहे हो. यस अनन्या. मैम टिकट अनन्या यू कैन सी मैम वन सेकंड. Your voice is not audible. You have muted. Unmute yourself, Ananya. Google. Unmute karo, Ananya. Unmute karo. Yes, ma'am. Aapne mute rakha hai, isliye aapki awaaz nahi aa rahi. Haan, boliye. Ma'am, ticket reservation? Yes, staff at the ticket reservation counter. That also you can say, or ticket vendor. Okay, you can say ticket vendor. Okay, we will stop here. I will send you these questions in class WhatsApp today itself. You have to write them, these question answers. Also try to understand them. Okay, tomorrow we will discuss the next part of the story. That is next lesson is what? What is the next lesson? 7 number. Reaching grandmother's home. No, from the window, na? From the window. Next part is from the window. That we will revise. Okay? Is it clear, yes, Akshita? Ma'am. Okay, ma'am. Oh. Yes, ma'am. Okay. And I hope you all have. You all are solving the worksheets also that we are sending in class WhatsApp. That is for your revision. Okay? Are you doing it or not? Ma'am, we are doing it. Yes, ma'am. Okay, very good. Ma'am, we are doing it. Sending the photograph. I'm just trusting you that you all are doing it for your final exam revision. You got your syllabus now? Ma'am. Yes, ma'am. We got our syllabus. Yes, ma'am. Chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 6, ma'am. It's fine. It's fine. Total 19 lessons are there. Okay? 19 lessons, aapke 60 number ka paper hoga, 30 Google form,
30 आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है ना। 30 नंबर का आपका गूगल फॉर्म होगा और 30 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। सो स्टार्ट योर रिवीजन, अभी आपका रिवीजन ही चल रहा है, आज से ही शुरू हो गया है और आप खुद से भी रिवीजन करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। यस। सो यस मैम, ऑल ऑफ यू जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज, वी विल डू शांति पाठ। वर्तिका, आप भी रिवीजन कर रहे हो ना बेटा? यस मैम। गुड। शांति शांति सब लोग एक एक बार साई राम बोल दो, अभी 26 ही पार्टिसिपेंट सीख रहे हैं। एक एक बार साई राम बोल दो। साईराम मैम, बाय मैम, थैंक यू मैम।